जब हम एजलेस ब्यूटी की बात करते हैं तो हमें बॉलीवुड के धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित का चेहरा एक बार जरूर याद आता है। माधुरी दीक्षित आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं। बॉलीवुड फिल्में ही नहीं, माधुरी दीक्षित को कई डांस रियलिटी शोज की जज बने हुए भी देखा जा चुका है। वो कई विज्ञापनों में भी नजर आती हैं। आज भी माधुरी दीक्षित की खूबसूरती का जादू लोगों पर बरकरार है। माधुरी ने साल 1999 में डॉक्टर राम नेने से शादी कर ली थी और बॉलीवुड को लंबे समय के लिए अलविदा कह दिया था, मगर एक्टिंग और डांस दोनों ही माधुरी का पहला प्यार है और अपने पहले प्यार के पास माधुरी दीक्षित ने फिर वापसी कर ली है। शादी के बाद माधुरी दीक्षित कोलोराडो में ही रहने लगी थी, मगर वर्ष 2011 में अपने पूरे परिवार के साथ वो मुंबई लौट आई। तब से माधुरी यहीं रह रही हैं और काम भी कर रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भारत वापसी के बाद माधुरी अपने परिवार के साथ कहाँ रहती हैं और उनका घर कैसा दिखता है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, माधुरी का मुंबई में पालाटियल में बंगला है, यहाँ वो अपने पति और दो बेटों के साथ रहती हैं। माधुरी दीक्षित का घर भी उतना ही खूबसूरत है जितनी कि वो खुद हैं। माधुरी दीक्षित ने अपने घर को तरह तरह की पेंटिंग से सजा रखा है। उनके घर की जो तस्वीरें इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, वो यही बताती हैं कि माधुरी के घर के कोने कोने में खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं। माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ वीडियोस और अपने लिविंग रूम की फोटोज शेयर की हुई हैं। इन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि माधुरी ने अपने घर को सूदिंग कलर से सजाया और संवारा है। इनके घर की वॉल्स पर व्हाइट पेंट हुआ है, वहीं इनका फर्नीचर भी बेज कलर का है। लिविंग रूम में एक कॉर्नर पर तीन गिटार रखे हुए हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर नेने और माधुरी के दोनों बेटे बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि माधुरी के बेटे गिटार बजा रहे हैं। माधुरी के घर की एंट्रेंस भी बहुत ही सिंपल और सोबर है। एंट्रेंस पर ही सिक्योरिटी के लिए छोटी स्क्रीन और फोन लगा हुआ है, इससे पता चल जाता है कि बाहर कौन आया हुआ है। वहीं माधुरी ने एंट्रेंस पर छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स भी रखे हुए हैं। इसे देखकर लगता है कि माधुरी को भरा भरा घर बिल्कुल पसंद नहीं। माधुरी दीक्षित के घर के लिविंग एरिया में ग्लास का खूबसूरत पार्टीशन भी है जो स्पेस को डिवाइड करता है। लिविंग एरिया से ही जुड़ा हुआ है माधुरी के घर का डाइनिंग एरिया, यहाँ पर भी माधुरी ने एक खूबसूरत सी पेंटिंग लगा रखी है। यहाँ एक खूबसूरत फर्नीचर पीस भी है जिसमें सुंदर क्रॉकरी सेट्स रखे हुए हैं, साथ ही लाइट बेज कलर के कर्टन्स भी लगे हुए हैं। माधुरी दीक्षित ने अपने घर को इको फ्रेंडली टच देने के लिए घर के अंदर कई इंडोर प्लांट्स भी लगा रखे हैं। माधुरी दीक्षित के घर में एक कमरा केवल उनके ड्रेसेस और फुटवेयर और एक्सेसरीज के लिए ही वार्डरोब के लिए डेडिकेट किया गया है। यहाँ क्लोज और ओपन दोनों तरह के वार्डरोब्स हैं। माधुरी जब भी किसी इवेंट में जाती हैं, वो यहीं पर तैयार होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।